हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी अमेज्ड। दोस्तों, धरती पर सांप एक आकर्षक और आसानी से हर क्षेत्र में पाया जाने वाला प्राणी है। तो इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं विश्व के कुछ खतरनाक सांपों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सी स्नेक या समुद्री सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1000 इंसानों को मौत के घाट उतार सकती है। यह सांप समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए ज्यादातर मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त इसका शिकार होते हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह सांप बहुत ही जहरीला होता है। इसके जहर का 14,000वां हिस्सा भी किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। यह ऑस्ट्रेलिया में इंसानी इलाकों के पास ज्यादा पाया जाता है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इनकी चाल बेहद तेज होती है और एक बार खतरा महसूस होने पर ये पीछा करके उसे काट कर ही दम लेते हैं। इंग्लैंड टाइपन एक विषैले सांपों की प्रजाति है। यह सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे जहरीला है। यह प्रजाति मध्य पूर्व ऑस्ट्रेलिया के अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए स्थानिक है। इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक का जहर होता है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं पर इतना घातक होता है कि 100 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। यह सांप आबादी से दूर रहना पसंद करता है। अगर इनका सामना किसी इंसान से हो जाए तो वह बच नहीं सकता। रेटल स्नेक। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है। यह सांप अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण पहचाना जाता है। जब यह अपनी पूंछ को हिलाता है तो यह छल्ले बच्चों की झुंझुने की तरह आवाज करते हैं, इसलिए इसका नाम रेटल स्नेक पड़ा है। यह सांप अपनी कुल लंबाई के 2/3 हिस्से तक वार कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इस सांप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस सांप के बच्चों में सबसे ज्यादा जहर भरा होता है। सॉ स्केल्ड वाइपर। वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं और इनकी ज्यादातर प्रजातियां जहरीली होती है, लेकिन इनकी सबसे जहरीली प्रजाति सॉ स्केल्ड वाइपर और चेन वाइपर भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। भारत में सांपों के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार है। ये सांप ज्यादातर बारिश के बाद शिकार की तलाश में निकलते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। अगर ये काट दे तो इसके काटने के आधे घंटे के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। फिलिपिन कोबरा फिलीपींस के उत्तरी भागों में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक सांप है। फिलिपिनी कोबरा की अन्य प्रजाति से कई गुना ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। फिलिपिनी कोबरा शिकार को 3 मीटर की दूरी से लपक कर काटने की क्षमता रखता है। इसके काटने के बाद इंसान 30 मिनट के अंदर ही मर सकता है। ब्लैक मैम्बा अफ्रीका में पाया जाता है। यह धरती पर सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। खतरा महसूस होने पर यह लगातार 10 से 12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। ब्लैक मैम्बा का सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर ही इंसान को मारने के लिए काफी है। ब्रांडेड क्रेटो भारत, बांग्लादेश एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला विषधर सांप है। यह एक जहरीला सांप है जो विषहीन सांपों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित रखते हुए जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसका जहर अनिवार्य रूप से एक न्यूरोटॉक्सिन है, जो पक्षाघात को प्रेरित करता है। ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। इंडियन कोबरा भारतीय उपमहाद्वीप का एक जहरीला सांप है। इसे दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक माना जाता है और यह काफी घातक भी होता है। इसकी लंबाई 4 सांपों के बराबर होती है। इसके काटने से शरीर में जहर तेजी से फैलता है। अगर एंटीविनोम ना दिया जाए तो 1 घंटे में व्यक्ति की मौत हो जाती है।
टाइगर स्नेक ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक अत्यधिक विषैले सांपों की प्रजाति है। इसका जहर घातक न्यूरोटॉक्सिन, कोगुलेंट, होमोलिसिन और मायोटॉक्सिन के शक्तिशाली मिश्रण से बना होता है। इसके काटने के बाद 30 मिनट से 24 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। यह सांप आमतौर पर जमीन पर रहने वाले होते हैं, लेकिन वे आसानी से तैर भी सकते हैं और छोटे पेड़ों और झाड़ियों पर चढ़ते हुए रिकॉर्ड भी किए गए हैं।